गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल टुडे? यू ऑल आर फाइन, हेल्दी, फुल ऑफ एनर्जी? वेरी गुड. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, टर्म्स कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी. सो स्टूडेंट्स, लाइक एनी अदर साइंस, sociology has its own body, concepts, theories and methods of data collection. Just like social group. Today we will discuss social group and its types. Okay? So what is social group? A social group is a collection of two or more people. Okay? And who are continuously इंटरेक्टिंग, जो एक मतलब कंटिन्यू एक दूसरे के इंटरेक्शन में है, एंड शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड सेंस ऑफ लॉयल्टी विद इन अ गिवन सोसाइटी, और जिनके अपने कॉमन इंटरेस्ट हैं और जो सोसाइटी में जो जिस ग्रुप के साथ वो रिलेट करते हैं उसके साथ लॉयल्टी रखते हैं, है ना. और जो मैंने अभी आपको बताया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स निकली सोशल ग्रुप की. फर्स्ट इज टू और मोर पर्सन, ठीक है. फर्स्ट तो ये हो गई, कितने, या तो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए. सेकंड क्या हुई हमारी, सेकंड होगी इंटरैक्टिंग. इंटरेक्टिंग, इंटरेक्ट होना चाहिए लोगों को. थर्ड इज कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों को. जब ये साथ में आते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के लोग ही तो एकदम साथ में आते हैं. फोर्थ लॉयल्टी, लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है. तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप. फर्स्ट इज टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तभी तो हमारा क्या बनेगा, सोशल ग्रुप बनेगा. सेकंड इंटरेक्टिंग, इंटरेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के प्रति तभी तो सोशल ग्रुप में इंटरेस्ट लेंगे. फिर कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, जितने भी जो भी लोग सोशल ग्रुप को अटेंड करते हैं, सोशल ग्रुप में एक साथ आते हैं, कोई भी मिलके सोशल ग्रुप बनाते हैं, उनका क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है ना. अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं टेक करेंगे किसी चीज़ में तो आप उस ग्रुप को अटेंड ही क्यों करेंगे. जस्ट लाइक आप किटी पार्टी का ग्रुप कह सकते हैं कि जब जो लेडीज़ किटी पार्टी को पसंद करती हैं, जो इंटरेस्ट लेती हैं, तो ही तो वो बनाती हैं ग्रुप, जो नहीं लेती वो नहीं बनाती, है ना. और लॉयल्टी, अगर आप किसी ग्रुप का सदस्य बन जाते हैं तो फिर आपको लॉयल भी होना ज़रूरी है उस ग्रुप की रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं उनके प्रति, ठीक है. Different sociologists have classified social groups differently. And here we discuss some groups like primary group, so bachcho different sociologists have classified social groups differently, hai na. different type ke social groups hote hain. Firstly we will discuss primary groups and secondary groups. प्राइमरी ग्रुप, जैसे कि ये अपने नाम से ही बता रहा है, प्राइमरी लेवल पे है ना. प्राइमरी ग्रुप कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज, है ना, एंड हैव फेस टू फेस रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली रिलेशनशिप, पीयर ग्रुप, यानी कि हमारा फ्रेंड सर्कल के साथ जो रिलेशनशिप होता है, हमारी फैमिली के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप्स. प्राइमरी ग्रुप्स कैसे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, फैमिली जैसे छोटी सा होती है साइज में. हमारे फ्रेंड सर्कल होता है ज़्यादा, बहुत बहुत हज़ारों लोगों का नहीं होता है ना. फैमिली जो हमारा फ्रेंड ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप्स होते हैं, वो होते हैं कैसे, साइज में छोटे होते हैं.
फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है हम लोगों का उनसे, हमारी फैमिली जो है, हमारे मेंबर्स फैमिली के, उनसे हमारा फेस टू फेस का इंट्रैक्शन होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को बहुत दिन से, बहुत सालों से देखा ही नहीं है, है ना, या फिर मतलब के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा भी नहीं है। इमोशनल रिलेशनशिप कहाँ होता है? प्राइमरी ग्रुप्स में इमोशनल रिलेशनशिप होता है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, इंटीमेट फीलिंग्स होती हैं, और क्या होता है, साइज में छोटे होते हैं, वी फीलिंग पाई जाती है, केयरिंग फीलिंग पाई जाती है, कहाँ पे? प्राइमरी ग्रुप्स में। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, है ना, साइज में लार्ज होते हैं और मार्क्ड बाय फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स। कैसी रिलेशनशिप होती है? इम्पर्सनल और फॉर्मल होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लब आपने ज्वाइन किया हुआ है ना, कोई वेलफेयर एसोसिएशन आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। तो अब क्या डिफरेंस हुआ प्राइमरी ग्रुप में और सेकेंडरी ग्रुप में? डिफरेंस भी साथ साथ देख लेते हैं हम कि प्राइमरी ग्रुप्स हैव स्मॉल इन साइज, सेकेंडरी ग्रुप लार्ज इन साइज। और क्या करेक्टराइज हैं प्राइमरी ग्रुप की? प्राइमरी ग्रुप में जो वो होते हैं, इंट्रैक्शन होता है, वो कैसा होता है? फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, इमोशनल रिलेशनशिप पाई जाती है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है? फॉर्मल रिलेशनशिप पाई जाती है, है ना, इम्पर्सनल रिलेशनशिप पाई जाती है। लोग अपने फ़ायदे के लिए जो है बनाते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स। और क्या एग्जाम्पल है प्राइमरी ग्रुप के? फैमिली हुई, पीयर ग्रुप हुआ। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप का क्या एग्जांपल है? क्लब ज्वाइन किया है, जैसे आपने कोई एसोसिएशन ज्वाइन की है, वेलफेयर एसोसिएशन आपने ज्वाइन किया कि कभी कभी आपको वहाँ जाना, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। समझ गए आप लोग? और बच्चों, प्राइमरी ग्रुप्स प्राइमरी क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर सेंट्रल इन अवर लाइफ एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, दे इन्फ्लुएंस अवर लाइफ, है ना। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप क्या करते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं? सेकेंडरी ग्रुप फॉर्म होते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, है ना। नाउ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, व्हाट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप? इन ग्रुप और आउट ग्रुप जो कॉन्सेप्ट है वो समनर ने दिया है, ठीक है। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो सी एच कूले ने दिया है, ठीक है। Now the in group and out group. Who give the concept of in group and out group? W.H. Sumner give the concept of in group and out group. In group, the group which has an individual identities, himself or herself, has sense of belongingness. Belongingness means जो group है उसमें जो व्यक्ति हैं, जो group के वो हैं, सदस्य हैं, member हैं, उनकी आपस में belongingness, यानी कि एक दूसरे के प्रति attachment होता है ना। And it is a V group. V group means आपका जो भी आपकी group है, जो भी उसके प्रति आपकी V feeling पाई जाती है। जैसे कि आपकी school की कोई team है, football team है या फिर cricket team है, तो आपकी आप बोलोगे हमारी team है, है ना, आपके लिए उसके team के प्रति V feeling, हमारी हम की भावना पाई जाती है ना। And there is a sense of attachment, है ना, into the members. And in out group, a group of which an individual feels individuals has no sense of belongingness. इनके बीच कोई सेंस बिलोंगिंगनेस की आउट ग्रुप में नहीं पाई जाती। एंड इट इज़ अ दे ग्रुप, यानी कि आप इस तरीके से लगा दे सकते हो कि दो टीम हैं और एक टीम अपनी टीम के प्रति जो हमारी फीलिंग होती है क्या होती है, वो वी फीलिंग होती है ना, और दूसरे की टीम के प्रति हमारी क्या फीलिंग होती है, दे, कि वो उनकी टीम है, राइवलरी फीलिंग आती है, है ना। एंड देर इज अ सेंस ऑफ इनडिफरेंस, है ना, और दूसरी टीम के प्रति जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो राइवलरी फीलिंग्स होती हैं, दूसरे मेंबर्स के प्रति बदले की भावना जिसे हम कह सकते हैं वो होती है, ठीक है, आउट ग्रुप में। नेक्स्ट इज रेफरेंस ग्रुप। व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप एंड हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप? हर्बर्ट हाइमन गिव रेफरेंस ग्रुप। एंड In this group, we do not belong, but we aspire, and we want to emulate their lifestyle, है ना,
हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, हम इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, हम इस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हम इस ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं। लाइक सेलिब्रिटीज़, लाइक सलमान खान के वो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, है ना, और जो बहुत सारी हीरोइंस हैं उनको बहुत सारी लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो हम उस ग्रुप का सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें उस ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं। लाइक इंडियन आर्मी है ना, फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग बॉलीवुड एक्टर्स को, इसको दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप, है ना, उसके नाम से ही पता चल रहा है, रेफरेंस ग्रुप, है ना। नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप अ टाइप ऑफ प्राइमरी ग्रुप कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर आइदर सिमिलर एज और शेयर द कॉमन प्रोफेशन, जो सिमिलर एज के हैं या फिर कॉमन प्रोफेशन को शेयर कर रहे हैं, वो किस में आते हैं, पीयर ग्रुप में आते हैं। लाइक योर फ्रेंड ग्रुप, लाइक किटी ग्रुप, है ना, लाइक टीचर्स ग्रुप, टीचर एक ही जगह प्रोफेशन एक ही जगह करती हैं, है ना, एक ही स्कूल में प्रोफेशन है, कॉमन प्रोफेशन है उनका, तो फिर उनका एक ग्रुप बन जाता है। इसी तरीके से आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड का ग्रुप है आपका, वो भी पीयर ग्रुप में ही आता है ना। इसी तरीके से किट्टी का ग्रुप कह सकते हैं हम, जो सेम एज की महिलाएं होती हैं वो साथ मिलकर एक किट्टी ग्रुप बना लेती हैं अपने, है ना, इन्जॉय करने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड पीयर ग्रुप, और पीयर ग्रुप में मोस्टली ज़्यादातर प्राइमरी रिलेशनशिप होते हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल में हमारे प्राइमरी रिलेशनशिप होते हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप। ओके, सो स्टूडेंट टूडे वी हैव लर्न द टॉपिक सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, है ना, एंड वॉट आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन जरूरी है, क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ ग्रुप नहीं कहा जा सकता, एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए तभी ग्रुप होगा। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिंग, यानी इन लोगों को इंट्रैक्शन होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, है ना, और इंट्रैक्शन तो ज़रूरी सोसाइटी के लिए भी है, अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा तो सोसाइटी भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज कॉमन इंटरेस्ट, इफ़ यू हैव कॉमन इंटरेस्ट यू मेक द ग्रुप। अब इसके फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा ये है कि आप स्कूल के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, स्कूल के जो आपका ग्रुप है उससे जुड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि आपको लर्निंग मटेरियल चाहिए स्कूल से, आप सभी बच्चों को लर्निंग मटेरियल मिल रहा है, इसलिए आप किससे जुड़े हुए हैं, स्कूल के ग्रुप से, इसका मतलब आपका सबका कॉमन इंटरेस्ट है, सेम इंटरेस्ट है ना। फिर है लॉयल्टी, आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसके प्रति लॉयल होना जरूरी है। फिर उसके बाद ग्रुप में का मेंबर फॉर्मली भी हो सकते हैं आप और इनफॉर्मली भी, डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप के सदस्य हैं। प्राइमरी ग्रुप के सदस्य हैं तो आप इनफॉर्मल रिलेशन होंगे आपके, है ना। इसी तरीके से प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप से आपके फेस टू फेस इंट्रेक्शन होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप में क्या है, फेस टू फेस इंट्रेक्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये हमारी जो प्राइमरी नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर सकते करते हैं ना, इसीलिए ये सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं और ये प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, है ना। और इनमें क्या होता है, वी फीलिंग पाई जाती है और साइज इनका कैसा होता है, साइज में स्मॉल होते हैं, साइज में सेकेंडरी ग्रुप बड़े हो सकते हैं, 100 पीपल के भी हो सकते हैं, 200 के भी, 1000 के भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ग्रुप मोस्टली स्मॉल साइज में होते हैं, है ना। इन ग्रुप में वही वी फीलिंग पाई जाती है, आउट ग्रुप में वी फीलिंग पाई नहीं, ये वी फीलिंग और ये दे फीलिंग वाले भी वो होते हैं। रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिसमें हम एस्पायर करते हैं, हम बनना चाहते हैं उनके जैसा, रेफरेंस, हमें हमारे पास रेफरेंसेज हैं कि हम उन्हें, हमें उनके जैसा बनना है ना। नेक्स्ट फिर पीयर ग्रुप्स आता है, पीयर ग्रुप में वही है कि आपके कॉमन एज के जो आपके सेम एज के लोग होते हैं उनके साथ जो आपके ग्रुप बनता है, जैसे आपका फ्रेंड ग्रुप हो गया, दैट इज़ कॉल्ड पीयर ग्रुप। तो ये आपको समझ आ गए ना सारे। इसके अलावा भी होते हैं, क्वासी ग्रुप होते हैं, लेकिन वो क्राउड टाइप हम कह सकते हैं, क्राउड लोग एक साथ इकट्ठे तो होते हैं, एक साथ आते तो हैं, लेकिन उनके बीच में क्या नहीं होती है, करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे सोशल ग्रुप की हैं वो नहीं होती, वो एक से ज़्यादा तो हैं, है ना, लेकिन इंट्रेक्शन नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, है ना, लॉयल्टी नहीं है, तो इस वजह से वो हम उन्हें सोशल ग्रुप की उसमें नहीं रख सकते श्रेणी में, ठीक है। तो टुडेज लेक्चर इज ओवर नाउ, इन आवर सो स्टूडेंट्स टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल रोल एंड स्टेटस, सो रीड अबाउट इट फ्रॉम योर बुक। अगर आप पहले से पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आता है फिर, ठीक है ना।
जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।